हेलो दोस्तों, मैं आज मेसर्स माँ कृपालिनी इंडियन झाझा में खड़ा हूँ। यहाँ का वीडियो बनाना मैं इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि एक समय था झाझा में गैस का बहुत किल्लत था, लेकिन जब से मेसर्स माँ कृपालिनी इंडियन झाझा यहाँ पे खुला है, लोगों को गैस का किल्लत दूर हो गया है। यहाँ पे होम डिलीवरी की सुविधा है, सिमुलतल्ला से लेके दादपुर तक होम डिलीवरी का सुविधा दिया जाता है, और भी देहात एरिया में भी बोड़बा इत्यादि जगहों पे सुविधा दिया गया है, और यहाँ का सर्विस बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्तों। और मैं आपको ऑफिस ले जा रहा हूँ, और वहाँ से भी जो यहाँ के लोग हैं उनसे मैं कुछ बात करवाऊँगा। नमस्ते भैया। नमस्ते। आपका सर्विस बहुत ही अच्छा है, लोगों की मांग पे मैं आपसे बात करने आया हूँ। इतना अच्छा आपका सर्विस है तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे मतलब इतना अच्छा हैंडल कर लेते हैं आप? सबसे पहले प्राथमिकता है कस्टमर को टू डोर गैस पहुँचवाते हैं, सबसे पहली परंपरा। पहले गैस का यहाँ बहुत किल्लत था, जब से इंडियन गैस यहाँ आया है माँ कृपाल ने, तब से लोगों के बीच राहत है और सर्विस पर हम विशेष ध्यान देते हैं। मोदी जी का सपना था कि हर घर में गैस होना चाहिए, क्योंकि अगर घर में जो रसोई में धुआं रहित अगर खाना बनता है तो बीमारी को हम दूर भगाते हैं। तो और यहाँ का सर्विस इतना ही अच्छा, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि होम डिलीवरी का सुविधा है, और सिमुलतल्ला से दादपुर तक सर्विस बहुत ही अच्छा सर्विस है और समय पे होता है। नमस्ते भैया, कुछ बोलिए कि इतना अच्छा आप हैंडल कैसे करते हैं, आपका सर्विस बहुत ही अच्छा है और लोगों के डिमांड पे हम आए हैं कि क्या कहता है, कुछ आप बोलिए। झाझा के क्षेत्रवासियों को हमारे तरफ से बेहतर सर्विस दी जाएगी। जब से यह एजेंसी खुला है झाझा के लोगों को बहुत राहत हुई है, गैस सिलेंडर की किल्लत से बचाव हुआ है। हमारा यह विश्वास है कि झाझा के ग्राहक हम पर विश्वास दिखा रहे हैं तो हम उन्हें बेहतर सर्विस देंगे। और भाई साहब को धन्यवाद, बहुत सपोर्ट किए, अच्छी जानकारी दिए, और मैं झाझा की जनता से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग चाहे फिर यहाँ का सर्विस इतना अच्छा हो पाया, इसमें आपका भी सपोर्ट है। इसलिए मैं कहूँगा कि खुद को कर बुलंद उतना, खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है, और आज सबका सपना साकार हो पाया और इतना अच्छा सर्विस आप लोग को मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।